अतुल जी, डॉक्टर कोवी का, डॉक्टर स्टीफन कोवी का सबसे बड़ा योगदान आपको क्या नजर आता है? लोग यशस्वी हो रहे थे, कामयाब हो रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, लेकिन जीवन में आनंद और सुख और समाधान पाने का एक साइंस किसके पास भी नहीं था, और वो साइंस था ना ऐसे सर जगह बिखरा हुआ था। वो साइंस उन्होंने जो उन्होंने काम किया, वो साइंस उन्होंने एक जगह लाया, और कोई भी ऑर्डिनरी आदमी यदि ये फॉलो करता है ना, तो उसको सुख चैन आनंद का रास्ता मिल जाएगा। ये जो साइंस का जो रोल है ना, डेवलपमेंट ऑफ साइंस फॉर लाइफ, जैसे पर्सनल इफेक्टिवनेस का ये भगवत गीता है, ये कुरान है, ये बाइबल है, तो ये बाइबल का जन्म उन्होंने किया है कि कोई भी आदमी यदि मैं जो बताता हूँ ये साइंस फॉलो करेगा, तो तुम्हें यश आनंद संपदा तुम्हारे वैयक्तिक जीवन में, तुम्हारे फैमिली जीवन में, तुम्हारे प्रोफेशनल लेवल में तुम पा सकते हो। ये जो साइंस बनाया, अदरवाइज पीपल सम लकी पीपल वेयर देर सक्सेसफुल, देर हैप्पी, सम अनलकी पीपल वेयर देर डिड नॉट नो वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल, वाई दे आर नॉट हैप्पी, बट ही मेड अ साइंस ऑफ दिस। सो एनी पर्सन हु गोज थ्रू दिस मेथड विल फाइनली फाइंड द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, साइंस ऑफ सक्सेस, दिस इज हिज ग्रेटनेस। परफेक्ट, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आपने बताया कि उनका क्या योगदान है, उन्होंने जो है बिखरी हुई साइंस को जमा कर दिया, एक जगह पे जमा कर दिया ताकि लोग जो है इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आप इतनी तारीफ़ करते हैं सर डॉक्टर कोवी की, आपने उनसे इतना ज्ञान लिया है, आप ऋणी अपने आप को बोलते हैं, बिल्कुल ऋणी। तो डॉक्टर कोवी की मे बी आपने और भी बुक्स पढ़ी होंगी, कितनी बुक्स उन्होंने लिखी हैं? अबाउट 7-8 बुक्स आर देयर। ओके, उसमें से एक है वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट करके एक है, okay. जो मैनेजमेंट का किताब है, लीडरशिप के ऊपर एक किताब है, 7 Habits तो है ही। बाद में उन्होंने और एक किताब लिखी है जिसका नाम है लिविंग विद 7 Habits। मतलब हमारे मेरे जैसे ऐसे अनगिनत लोग हैं इस दुनिया में कि जिन्होंने सुख चैन और आनंद पाया, खाली आनंद ही नहीं, मुझे तो लगता है मैंने मुझे पाया इस किताब की वजह से। ओके, तो वैसे लोगों ने अपने अनुभव कथन किया है कि जिसमें उन्होंने वो लिखा है कि ये क्या है। और इसके और एक विशेषता यह है कि उनका जो बेटा है, उस बेटे ने 7 Habits फॉर हाईली इफेक्टिव टीन्स करके टीनेजर के लिए किताब लिखा है। अच्छा, हाँ, और वो किताब ऐसा लगता है कि एक बार ये लिखने के बाद इसके ऊपर क्या लिखा जा सकता है, लेकिन उनके शॉन कॉवी करके उनका बेटा है जिसने लिखा है, इतनी अलग ढंग से और इतनी इजी ढंग से, मतलब ये किताब है ना, वैसे तो आई विल टेल यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इट्स अ पेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट अप है। अच्छा, मतलब क्या है, स्टीफन कॉवी की इंटेलेक्चुअल इतनी हाई है कि वो सामान्य लिख नहीं सकता है, वो छोटा भी एकादा सेंटेंस भी लिखेगा ना, मतलब एकादा में से आपको पढ़ के बताता हूँ, एकादा सेंटेंस भी लिखेगा ना तो ऐसा गूगल ही डालता है, इस आदमी घंटा भर सोचते रहेगा कि क्या है, गूगल करेगा, इधर जाएगा। हाँ, तो फॉर एग्जांपल एक और मेरे स्टूडेंट थे ना, वो कोई कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे पढ़ते थे, तो एक ने मुझे याद है, पेज नंबर 17 भी याद है और वो मार्किंग भी मैंने करके रखा है। अच्छा। कि उसमें बोला ये सर इस पैराग्राफ में स्टीफन कोवी ने पिग्मेलियन इफेक्ट लिखा है, कि क्या होता है पिग्मेलियन इफेक्ट, समझे क्या आप? अभी वो पिग्मेलियन इफेक्ट किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये लिख के छोड़ के निकल जाता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता ये पिग्मेलियन इफेक्ट क्या है। तो ऐसे एक एक गूगली डालते रहे तो सामान्य पढ़ने वालों को, मतलब अच्छे अच्छे इंजीनियर्स डॉक्टर्स को भी बोल दिया ये नहीं समझते, आप हमको समझाओ। मैं क्यों समझने के लिए उतरा, क्योंकि लोग पढ़ के भी नहीं समझ रहे थे, तो बोला ठीक है यार मैं पढ़ाता हूँ। मैं जैसा कैसा है, ज्ञानेश्वर का काम है यह है कि भगवद गीता तो लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई, ये भी पुस्तक संस्कृत में है, ऐसा सुन ऑर्डिनरी आदमी को समझता ही नहीं है, भले वो इंग्लिश है लेकिन पढ़ के तुम समझोगे ही नहीं। जैसे ये 17वां सेंटेंस है ना, अभी देखो, हाँ अभी मैं एक सेंटेंस खाली पढ़ता हूँ। इफ आई ट्राई टू यूज ह्यूमन इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स फॉर हाउ टू गेट अदर पीपल टू डू वॉट आई वॉन्ट, टू वर्क बेटर, टू बी मोर मोटिवेटेड, टू लाइक मी एंड ईच अदर, व्हाइल माई कैरेक्टर इज फंडामेंटली फ्लॉड,
marked by duplicity and insincerity, then in the long run, I cannot be successful. कुछ समझता है? कुछ नहीं. तो ऐसा सब इन्होंने लिखा है क्योंकि उनकी उनका ज्ञान की लेवल यह है और हम लोग यहाँ हैं तो ये समसामयिक बनाना पड़ता है एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए बनाना पड़ता है. तो मैंने क्या किया है वो जो संस्कृत में लिखा गया है ना इसको मैंने ऑर्डिनरी आदमी के भाषा में उसको मैं पढ़ाता हूँ सिखाता हूँ. हिंदी करता हूँ मराठी करता हूँ इंग्लिश करता हूँ इंग्लिश भी सिंपल करता हूँ तो भी लोग बोलते हैं कि आप फिर कठिन सिखाते समझा. तो ये जो उन्होंने लिखा उसके बच्चे ने जो काम किया है ना वो एकदम सिंपल बना. तो कोई आदमी मेरे पास आता है बोलता है ये किताब है ना मतलब मुश्किल है यार. तो मैं उसको बोलता हूँ तू एक काम कर तू पहले ना शिन कॉवी का 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव उसमें क्या है पिक्चर्स है डायग्राम्स है और उसमें बहुत सुंदर नेक्स्ट टाइम आपको चाहे तो मैं दिखाऊंगा कि उसमें कितना सुंदर किताब लिखी है उसने. तो ये और आसान बना दिया है और नॉर्मली इसके लिए कोई मुझे ऐसा टीनेज मिलता है ना तो मेरा स्टैंडर्ड गिफ्ट है कि ये टीन का किताब बाबा इट्स अ गिफ्ट फॉर यू एंड ये लाइफ लॉन्ग तेरे को क्योंकि ये मेरे लिए लाइफ लॉन्ग मिस मैंने इसके एटलीस्ट फ्यू थाउजेंड कॉपीज आई मस्ट हैव परचेस्ड एंड सोल्ड आई मीन गिफ्टेड. ओके अच्छा इतना ये मेरा प्यारा किताब है क्या मतलब परमानेंटली इसके मेरे पास ही कुछ 10-15 कॉपी आई और मैंने गिफ्ट कर दिए. परफेक्ट दिस इज व्हाट स्टीफन कोवी इज. परफेक्ट. तो आप ये बोलते हैं कि आपका इतना प्यारा किताब है ये हजारों कॉपियां तो आपने इसकी गिफ्ट दे दी हैं और आप बोलते हैं कि आपने इस कॉपी को जिया है और इससे भी आगे कहते हैं कि मैं ये कॉपी ही हूँ. यू आर दिस बुक. इतना आप बोलते हैं. 7 हैबिट्स ये एपिसोड एक सीरीज है और 7 हैबिट्स पर हमारी चर्चा अतुल गोरे जी के साथ अगले एपिसोड्स में भी जारी रहेगी. जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना. एक छोटा सा आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप क्या करेंगे. बहुत बढ़िया आप इस वीडियो को लाइक करेंगे. अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है कोई भी सवाल है जो कि जिंदगी में आगे जाने में आपकी लाइफ में बाधा ला रहा है तो वो प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा लिखकर भेजिए. आपके प्रश्न का उत्तर अतुल गोरे जी स्वयं लिखकर आपको भेजेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस एपिसोड को बहुत सारे लोगों से शेयर जरूर करना क्योंकि जैसा कि मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि हम आज जो भी हैं वो हमारी आदतों की वजह से हैं. ये एपिसोड हमारी आदतों को सुधारने में हमारी हैबिट्स को सुधारने में मदद करता है. इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना. अगले एपिसोड में अतुल गोरे जी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अलविदा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.